सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में मालेगांव जो है वो जाना जा रहा है। लंदन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बर्लिन हो, जापान हो, सबकी निगाहें आज टेलीविजन के ऊपर लगी हुई हैं। हर आदमी जब सवेरे अखबार उठाता है, वो सरकार हो कि लोकसत्ता हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चैनल खोलता है तो हर 5 मिनट पे एक बार मालेगांव की न्यूज जो है वो जरूर देखता है। आज मालेगांव मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की सियासत, जो गंदी सियासत, जो जहरीली सियासत है, उसको मालेगांव ठीक करने का काम करेगा, एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्योंकि यह है गया जो 2006 में हो गया, बहुत बदकिस्मती, मालेगांव ने बड़ी ट्रेजडी देखी है, बड़े दंगे देखे हैं, फसाद देखे हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखा है, बम ब्लास्ट को भी देखा है उस मस्जिद के करीब, मैंने भी उसको देखा। सोनिया जी आई थी, विलास राव जी थे, जहां इंसानी खून सड़कों पे बहा था, मासूम और बेगुनाहों और बच्चों का खून जो इबादत के लिए गए थे, न जाने किन लोगों की नजर लग गई, किन फिरका परस्तों की, किन जलाने वालों की, कि जो इबादत के लिए गए थे उनका खून सड़कों पे बहा था, मालेगांव के लोगों ने वो भी। लेकिन एक हमेशा एक विशेषता रही है, एक खासियत रही है कि कितनी भी कोशिश हो गई हो, लेकिन जो कौमी एकता थी, जो हिंदू मुस्लिम तहरीक थी, जो आपस में भाईचारगी थी, मालेगांव में कभी वो टूटी नहीं है, उसका दम नहीं निकला है, वो कमजोर जरूर हुई, कभी कभी कमजोर जरूर हुई है, कुछ लोग अपनी साजिश में कामयाब भी हुए होंगे, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुई, उसने कभी दम नहीं